प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये सीखा था कि मैंने आपने पूछा कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, तो मैंने कहा जी किसी भी बॉडी को अगर आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग से या मान लो ग्राउंड से प्रोजेक्ट करेंगे किसी एंगल पर या सीधा फेंक देंगे तो ग्रेविटी का असर होगा, ग्रेविटी की वजह से वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोल देना। लेकिन जरा डेफिनेशन पढ़ लें, प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी विच वेन थ्रोन इन टू द स्पेस विद सम इनिशियल वेलोसिटी मूव्स देयर आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन विदाउट बींग प्रोपेल्ड बाई एनी इंजन और फ्यूल, दिस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। ये तो वो थ्री इडियट्स का सीन हो गया बिल्कुल, वॉट इज मशीन। तो वो सेम डेफिनेशन सी लग रही है मेरे को, तो बिल्कुल वैसे ही है, सेम है, तो वो भी तो वही पढ़ा रहा होता है ऐसा कुछ। तो बेसिकली क्या होता है, लिखने का तरीका है, वो यही कहना चाह रहा है कि भाई किसी भी चीज़ को स्पेस में उछाल दोगे, उसके अंदर कोई इंजन, उसके अंदर कोई फ्यूल, उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा उछाल दिया जाए तो पैराबोलिक पाथ वो फॉलो करेगा, ऐसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। बस यही इसका मतलब है, कोई ना लिखवाता डेफिनेशन आपसे। हमने ये किया था, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें, किसी बॉल को प्रोजेक्ट करें विद वेलोसिटी ऑफ 10, तो पैराबोलिक पाथ यहाँ बनाएगी। क्या डिसाइड किया था कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी विल रिमेन सेम, तो 10 10 10 10, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 एंड दिस विल इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ये हमने किया और मैंने लिख भी दिया आपको, इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल में वेलोसिटी इंक्रीज है क्योंकि एक्सेलरेशन जी है। ये बात हो गई थी हमारी। नेक्स्ट है, ये हमने नहीं करना अभी। नेक्स्ट है,